हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले देश के टॉप 5 पत्रकारों की, जो अपनी ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं। हमने यह लिस्ट इनके टीवी पर उठाए गए इश्यूज़ के आधार पर फुल एनालिसिस के बाद तैयार की है। हो सकता है आपके किसी फेवरेट जर्नलिस्ट का नाम इस लिस्ट में छूट गया हो, तो आप नीचे कॉमेंट करके उनका नाम ज़रूर बताइए। जर्नलिज्म क्या होता है, पहले थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जनता की आवाज़ को उठाना, निष्पक्ष पत्रकारिता करना, सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने लाना, सच क्या है जनता को बताना, लोगों के हक के लिए सरकार से टकराना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, समाज के मुद्दों के लिए लड़ना। वास्तव में पत्रकारिता एक ऐसी ताकत है जो सत्ता को हिलाकर रख सकती है। आज के समय में देश की मीडिया अपने सबसे निचले स्तर पर है। देश की मीडिया सरकार की मात्र कठपुतली बनकर रह गई है। पत्रकार आज के समय में भ्रमित करने वाली खबरें चलाकर लोगों को भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं। आज देश का मीडिया एक ही पक्ष का हो गया है और वह सिर्फ सरकार की भाषा बोलने लगा है, जिस वजह से आज समाज का बहुत बड़ा वर्ग सच्चाई से दूर जा चुका है। आज मीडिया प्रोपगेंडा कर रहा है और वह वही न्यूज़ दिखाता है जो पेड होती है, यानी उससे उनको मोटी रकम मिलती है या TRP मिलती है। फिर भी कुछ ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जो अभी भी अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो शुरू करते हैं टॉप 5 जर्नलिस्ट इंडिया की इस लिस्ट का। नंबर 1 पर आते हैं रवीश कुमार। ये वो पत्रकार है जो अपनी बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं। ऐसे वक्त में यदि कोई बिना लाग लपेट के साफ साफ सच कहने, बोलने और लिखने की हिम्मत रखता है तो वो है रवीश कुमार। रवीश कुमार वो पत्रकार है जिन्होंने हमें एक नई सोच देने का काम किया है। पत्रकारिता की दुनिया में रवीश कुमार वो नाम है जिन्हें हर कोई पहचानता है, और ये पहचान उन्होंने किसी और तरह से नहीं बल्कि सच के दम पर बनाई है। रवीश कुमार को एशिया के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण माना जाता है। इस सूची में नंबर 2 पर आते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी। ये वही पुण्य प्रसून वाजपेयी है जो मास्टर स्ट्रोक कार्यक्रम की एंकरिंग करते हैं। वाजपेयी ईमानदार पत्रकार होने के नाते सरकार की कमियों को उजागर करते थे, लेकिन ABP न्यूज चैनल के प्रबंधन ने सरकार के आगे घुटने टेक दिए और मजबूरन उन्हें कहा गया कि आप सरकार के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। जब उन्होंने इसके लिए मना किया तो मजबूरन उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया और अंत में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। अब इस सूची में नंबर 3 पर आते हैं अभिसार शर्मा। अभिसार शर्मा ABP न्यूज चैनल में काम करते थे। वो ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता करते थे और सरकार की हर गलत नीति का विरोध करते थे, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और ABP न्यूज चैनल ने सरकार के दबाव में आकर उनको निकाल दिया। इस सूची में नंबर 4 पर आते हैं रजत शर्मा। रजत शर्मा इंडिया TV के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ है। रजत शर्मा को आपने आपकी अदालत में जरूर देखा होगा। इनका यह कार्यक्रम देश में काफ़ी लोकप्रिय है। रजत शर्मा बेबाक और अपनी ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं। हालांकि कभी कभार इन पर भी बायस्ड होने के टैग लगते हैं। इस सूची में नंबर 5 पर आते हैं सुमित अवस्थी। इन्हें पत्रकारिता अपने पिताजी से तोहफे में मिली। सुमित अवस्थी हिंदी पत्रकारिता का एक जाना माना चेहरा है। सुमित अवस्थी न्यूज़ का लोकप्रिय और विश्वसनीय चेहरा है। देश के सबसे सम्मानित पत्रकारों में से एक सुमित हिंदी न्यूज़ के प्राइम टाइम में पिछले 16 साल से लगातार अपनी छाप छोड़ते आ रहे हैं। सुमित अवस्थी सदियों आवाज़, शिष्ट अंदाज, बेबाक विचार और त्वरित अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। आज अगर अपने देश के मीडिया की बात करें तो अपने सबसे निचले स्तर पर है। देश का मीडिया सरकार की मात्र कठपुतली बनकर रह गया है।
आप नीचे कमेंट करके इस मीडिया के बारे में जरूर अपनी राय देवे।